राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अनेक दृष्टिकोणों से पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है। अनेक अभिनव योजनाएं राजस्थान में प्रारंभ की गई और प्रारंभ करने के बाद में उन्हें कुशलतापूर्वक सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इन सब योजनाओं को कंसीव करने से लेकर के उनकी स्ट्रांग मॉनिटरिंग और उसके बाद उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो अंजाम दे रहे हैं श्री नवीन जैन आज हमारे साथ में हैं, प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव और साथ में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। जैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि PCPNDT राजस्थान का PCPNDT पूरे देश के लिए एक तरह से पहचान बन चुका है और पूरे देश के अनेक राज्यों के अधिकारी राजस्थान में आकर के आपसे सीख रहे हैं कि किस तरह से PCPNDT के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाए। आपने तो पिछले एक साल के दौरान ही लगभग प्रति सप्ताह डिकॉय ऑपरेशन कर डाले। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा कि PCPNDT के बारे में राजस्थान ने कुछ अच्छा काम किया है, तो मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो एक विजन था कि राजस्थान में बेटियों का सम्मान होना चाहिए, तो वो शुरुआत होती है बेटियों के जन्म लेने से। राजस्थान में अनेक परंपराओं के चलते, अनेक कुरीतियों के चलते और सोनोग्राफी मशीन या दूसरी तकनीकों के दुरुपयोग के चलते बेटियों की संख्या काफ़ी हद तक गिर गई थी। PCPNDT सेल ने जिम्मा उठाया कि हम कानून की पालना तो कराएंगे ही कराएंगे, यानी कि जो लोग गलत तरीके से सोनोग्राफी का उपयोग करके सेक्स की जांच करके और अबॉर्शन को प्रमोट करते हैं उनको तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। इसके अलावा हम लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि केवल सप्लाई काटना ही काफ़ी नहीं है। किसी कुरीति को अगर मिटाना है तो उसकी मांग करने वाले लोगों से उसकी मांग को हटाना, उनके माइंडसेट को चेंज करना भी जरूरी है। लास्ट ईयर जो हमने डॉक्टर्स आर प्रीशियस अभियान शुरू किया, उसे सफलताएँ मिल रही हैं। उसके तहत कॉलेजों में, अनेक सोसाइटीज़ में, उसमें समाज के साथ जाके जो कार्यक्रम हमने किए हैं, तो हमने लोगों को PCPNDT सरल भाषा में बताया, तो कानून की पालना भी सख्ती से की और अवेयरनेस का काम भी दिल से किया। तो मेरा मानना है कि कुल मिला के बेटियों की संख्या में इजाफा होना है। कोख के कातिलों को जो आपने सजा दिलवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 71 से डिकॉय ऑपरेशन अब तक आप करवा चुके हैं। इसे इंटर स्टेट, खासतौर पर जो 15 डिकॉय ऑपरेशन आपने करवाए हैं, तो इंटर स्टेट जाकर के कोख के कातिलों को पकड़ करके लाना और उनको सजा दिलवाना कैसे संभव हुआ? आज से कोई लगभग एक साल पहले मेरी टीम के लोग जब एक दलाल का पीछा कर रहे थे, तो देखने में आया कि दलाल अब दूसरे राज्यों में जाने लगे हैं, क्योंकि राजस्थान में उनके ऊपर प्रेशर बिल्ट हो गया। तो मेरी टीम ने मुझसे कहा कि CRPC के प्रावधानों के तहत हम जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम आज तक नहीं गए थे तो एक हिचक थी, कानूनी पहलू थे। लेकिन जब मुझे लगा कि कानूनी रूप से हमारे पास संबल है, तो हम लोगों ने एक रिस्क लिया और हम लोग जब इस काम को हमने किया और कोर्ट्स ने जिस तरह से हमारा सपोर्ट किया है, माननीय उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार के निर्णयों के द्वारा ये कहा है कि PCPNDT एक सेंट्रल एक्ट है और बेटियों को कहीं भी बचाया जाना चाहिए, उसने निश्चित रूप से हमें बल दिया है। और 71 ऑपरेशन आज तक हमने जब किए हैं, तो 15 ऑपरेशन हमने दूसरे राज्यों में जाके किए हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सभी राज्यों में हम गए हैं और वहाँ के राज्यों ने भी हमारे ऑपरेशंस को सराहा है। और आपको जान के खुशी होगी कि बाद में उन राज्यों में उन्होंने भी ऑपरेशंस किए हैं। कुपोषण को राष्ट्रीय शर्म का विषय माना जाता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है कुपोषण, लेकिन राजस्थान में कुपोषण दूर करने के लिए आपने जो सीमेम कार्यक्रम संचालित किया उसको राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। क्या है सीमेम कार्यक्रम और किस तरह से आपने इसको इम्प्लीमेंट किया? देखिए, लोगों का ये मानना है कि कुपोषण मिटाने का कार्य आंगनवाड़ियों में ही होता है, और जब किसी बच्चे का कुपोषण इस कदर बढ़ जाए कि उसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होने लग जाए, तो मेडिकल एंड हेल्थ का रोल आता है। इसके बीच में कहीं हमसे वो बच्चे मिस हो रहे थे जो थे तो कुपोषित, लेकिन मेडिकल एंड हेल्थ में आने की स्थिति में इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होने शुरू नहीं हुए हैं। तो मेरा एक सीधा सा सवाल ये था कि क्या हम उन बच्चों के अंदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होने का इंतजार करें? तो हमने निर्णय लिया कि क्यों ना समुदाय में जाकर हम ये काम करें। CMAM, कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण का समुदाय में जाकर खात्मा करने का अभियान। हम लोगों ने पिछले साल एक बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट किया, 6 महीने ये पायलट प्रोजेक्ट चला, 13 जिलों के लगभग 2500 के आसपास गांव हमने टारगेट किए। और आपको जान के खुशी होगी कि जिस प्रकार से एक एक बच्चे की बारीक मॉनिटरिंग की गई, उसका परिणाम आज ये है कि वो बच्चे, उनमें से ज़्यादातर बच्चे, 9000 से ज़्यादा बच्चे मैं कहूँगा कि आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके माँ बाप को खुशी है कि उनके बच्चे भी उनका सम्मान आगे बढ़ा सकते हैं, उनके वंश को आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। और इस प्रोग्राम को करने में हमारे कई पार्टनर्स ने मदद की है।
कुपोषण की अगर बात करें, जिन 9000 बच्चों को आपने अपने प्रोग्राम में लिया और चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद उनको कुपोषण से दूर किया, अगर उन्हें इस तरह के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता तो संभवतः उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल काम था। तो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ कि 9000 बच्चों की जान बचाई गई। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अब ये 13 जिलों में कार्यक्रम था, आगे इस सीमेम कार्यक्रम और इसके साथ में पोषण की गतिविधियों को और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार क्या कर। सीमेम कार्यक्रम का प्रथम चरण अत्यंत सफलतापूर्वक आपने संपन्न किया, 9000 से अधिक बच्चों की आपने जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें जनसर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब राजस्थान के 13 जिलों के बाद प्रदेश के अन्य जिलों और जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए और सभी बच्चों के पोषण के लिए क्या कार्यक्रम संचालित होगा। प्रथम चरण की सफलता से हम सभी लोग उत्साहित हैं, हमारे पार्टनर्स भी उत्साहित हैं और हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि जो कार्यक्रम पहले 13 जिलों के सिलेक्टेड गांव में हुआ था अब उन्हीं जिलों के अन्य गांवों में भी इस कार्यक्रम को चलाया जाए। साथ ही 7 नए जिले और हमने सेलेक्ट किए हैं। इस प्रकार से हमारा ये मिशन है कि इस साल हम 20 जिलों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस बार हम बच्चे भी कुछ ज़्यादा लेंगे, लगभग 16000 बच्चों का हमारा टारगेट है। इस प्रकार से हम राजस्थान में एक सिस्टम ये क्रिएट करना चाहते हैं कि समुदाय में जाकर कुपोषण का खात्मा करना आसान है और इसमें जो खात्मा होता है वो लंबे समय तक रहता है। MTC में आके बच्चे ठीक होते हैं, उसके अपने अच्छे परिणाम हैं, लेकिन समुदाय में जाकर जब आप ये काम करते हैं तो आसपास एक अवेयरनेस का लेवल क्रिएट होता है। MTC आसपास में लेवल में अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाती है। इस प्रकार से सीमेम प्रोग्राम राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार अच्छा रहता है और मुझे उम्मीद है कि 17-18 में राजस्थान में इस कार्यक्रम का दूसरा चरण भी होगा। स्वस्थ राजस्थान के निर्माण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। और जिन साहब अगर स्वस्थ राजस्थान की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं या कुछ लोग ऐसे जो बाकी जरूरतमंद है लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, आपने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का जितना प्रभावी क्रियान्वयन किया है उसका परिणाम है कि जो कुछ टारगेट थे उससे भी कहीं दुगने से भी अधिक हम पहुंचते जा रहे हैं। क्या भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करके आम जन को इसका लाभ पहुंचाया है? देखिए, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की का एक विज़न था। उन्होंने जब राजस्थान के सारे मेडिकल एंड हेल्थ सिनेरियो को देखा तो उन्होंने ये महसूस किया कि फ्री ड्रग और फ्री डायग्नोस्टिक के कारण अस्पतालों में जो रश बढ़ रहा है इसको अगर हमें किसी प्रकार से सही प्रकार से आगे बढ़ाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी साथ में लाना चाहिए। इसके अलावा एक गरीब आदमी को अपने शहर में यदि सुविधा मिल रही है उसको छोड़ के दूर के मेडिकल कॉलेज तक नहीं आना पड़े। ये दोनों बातें भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना ने करने की कोशिश की है। डेफिनेटली शुरू में कुछ दिक्कतें हुई क्योंकि बहुत बड़ी योजना थी, 1 करोड़ के आसपास फैमिलीज को लाभ देना था। नई योजना में नया एक्सपीरियंस होता है, धीरे धीरे फील्ड की रियलिटीज पता लगती हैं, लेकिन आज इस योजना को जब लगभग 1.5 साल पूरा हुआ है तो मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि इस योजना ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हमारे मेडिकल कॉलेजेस, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे सरकारी संस्थानों के साथ साथ जो एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है और इसी प्रकार से लोगों को लाभ देने का ये प्रोग्राम चलता रहेगा। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की अगर हम और आगे बात करें तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में आपने निजी क्षेत्र को भी जोड़ा, निजी प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ा और जिस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ी है, अगर तथ्यों की बात करें तो अब ये 600 जो टारगेट था उससे कहीं ज़्यादा 650 करोड़ से अधिक के टारगेट इसमें बुक हो चुके हैं क्लेम। हाँ, हमने अभी कुछ दिनों पहले 600 करोड़ के टारगेट को क्रॉस किया है, यानी कि 600 करोड़ से ज़्यादा के क्लेम एनलिस्ट हुए हैं। हमारा ये विश्वास है कि 2 सालों में हम जितना प्रीमियम का भुगतान करेंगे उससे अधिक राशि के क्लेम हम लोग राजस्थान को दे पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि हम लोगों ने जो सरकारी राशि है जो प्रीमियम में गई है उससे उसके बराबर का या उससे ज़्यादा का लाभ देने की स्थिति बना ली है। और इसके पीछे कारण ये है कि जब एक मरीज ठीक होकर अपने गाँव में या अपने मोहल्ले में गया है तो उसने अनेक मरीजों को भेजा है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जब ये देखा कि योजना में धीरे धीरे काफ़ी क्लियरिटी आ चुकी है, सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है और आम जन इस योजना से जुड़ रहा है तो उनका भी जो योगदान था वो लगातार बढ़ता गया और कैंसर, इसके अलावा आप देखेंगे कि अनेक प्रकार की जो असाध्य रोग हैं जिनका इलाज लंबा चलता है, वेंटिलेटर की सुविधा है, ये सारी धीरे धीरे इस पर डायलिसिस की सुविधा है या जो डॉग बाइट है, सेकेंडरी टर्शरी प्रकार के ट्रीटमेंट हैं, जब सब प्रकार के ट्रीटमेंट इसमें ठीक से होने लगे तो योजना आमजन तक पहुंच गई है और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से योजना करती रहेगी। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का जिस तरह से उसका मॉनिटरिंग और उसका ई सॉफ्टवेयर का आपने इस्तेमाल किया, IT का इस्तेमाल किया, उसको राष्ट्रीय स्तर पर अभी पुरस्कृत किया गया और अगर राजस्थान के IT इनिशिएटिव स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात करें लगातार पिछले 3 सालों से अनेक पुरस्कार राजस्थान को मिले हैं। मैं जानना चाहूँगा
क्या महत्वपूर्ण ई इनिशिएटिव राजस्थान ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लिया? देखिए, जो आईटी है, मैं समझता हूँ कि ये कोई अलग कार्य नहीं है। आप जो भी कार्य सरकार में करते हैं, अगर आप उस कार्य को कम लोगों के साथ ज़्यादा बेनिफिशरीज तक पहुँचाना चाहते हैं तो तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य सा है। लेकिन प्राय अधिकारी टेक्निक के इस्तेमाल के समय में ये सोचते हैं कि रिसोर्सेज की कमी है। हम लोगों के सामने भी ये इशू आए थे। हम लोगों ने प्रयास किया कि जो टेक्निक का इस्तेमाल है वो इस प्रकार से किया जाए कि अवेलेबल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, नए प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किए जाएँ, यानी कि बिल्कुल एकदम से नया कार्य नहीं करके पुराने डेटाबेस, पुराने सॉफ्टवेयर का री इंजीनियरिंग किया जाए। और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे। री इंजीनियरिंग करके हम लोगों ने आशा सॉफ्ट का निर्माण किया। आज राजस्थान की सभी आशाओं को ऑनलाइन उनके खातों में पेमेंट मिल रहा है। जेएसवाई का पेमेंट प्रसूताओं को, राजश्री का पेमेंट उनको उनके अकाउंट में सीधा मिल रहा है। आज हमारी सारी एम्बुलेंस इस समय कहाँ चल रही है जीपीएस से हमें पता चल रहा है। आज हमारे ई उपकरण के माध्यम से कहाँ उपकरण खराब पड़े हैं और कब ठीक हुए इसका हमें पता चल रहा है। इसी प्रकार से तकनीक का इस्तेमाल करने के साथ ही हमारे एम्प्लॉइज की हाजिरी को आप देख रहे हैं कि आज किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा रहा है। कुल मिला के राजस्थान ने आईटी का पिछले 3 साल में भरपूर इस्तेमाल किया है और इसके कारण जो लापरवाह लोग हैं उनके ऊपर लगाम कसी गई है और फाइनेंशियली जो कई प्रकार का करप्शन कई बार हो जाता था उस पर भी काफी हद तक नियंत्रण हुआ है। जैन साहब, आपने मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ा करके प्रसूताओं के लाभ लेने की योजनाएं संचालित की। कोख के में काहत लेने वाली बालिकाओं को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और साथ में जो स्कूली बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को सुधारने का भी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण कार्य किया और अनेक असाध्य रोगों से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क रूप से उनका उपचार कराया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि इस तरह की क्या रही? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में राजस्थान में शुरू किया गया था और जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया था तो मंशा ये थी कि राजस्थान के कुछ सेलेक्टेड जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ियों में, जो सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ियों में बच्चे हैं, उनकी हेल्थ की स्क्रीनिंग कर दिया जाए। और स्क्रीनिंग के दौरान अगर बच्चों को 30 प्रकार की एक लिस्ट बनी हुई थी उनमें से कोई प्रकार का दोष पाया जाए तो उनका हायर इंस्टीट्यूट पर लाकर इलाज किया जाए। ये कार्य काफ़ी बड़ा था, ये कार्य लगभग असंभव था, लेकिन 3 साल में 2014, 2015, 2016 में जिस प्रकार से धीरे धीरे हमारे विभाग ने इस योजना पे काम किया है, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि पूरे राजस्थान के 584 से ज़्यादा बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन नारायणा, एस्कॉर्ट और गीतांजलि जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में हुआ है। इसके साथ ही क्लब फुट और क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट या जन्मजात जो बच्चों में कई प्रकार की विकृतियां थी उनका इलाज हुआ है। अगर आपको आसपास भी कोई इस प्रकार का बच्चा है जो सरकारी स्कूल या आंगनवाड़ी में पढ़ता है और उसे किसी प्रकार का दोष है तो उसको भी आप आरबीएस के कार्यक्रम में जोड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने निकटतम आरबीएस के टीम से या जिले के आरसीएचओ से संपर्क करना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा देश की सर्वोच्च सेवा है। हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा युवा इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अपने आवेदन करते हैं और अंतिम चयन करीब 150 से 200 युवाओं का होता है जो सबसे ज्यादा देश के प्रतिभाशाली होते हैं और उन्हें आईएएस बनकर के देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। हमारे साथ में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री नवीन जैन। जैन साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जो युवा आईएएस बनना चाहते हैं किस तरह का मार्गदर्शन आप उन्हें करना चाहेंगे? देखिए, समय के साथ आईएएस परीक्षा की तैयारी में परिवर्तन होता रहता है। हम लोगों ने 1999 और 2000 में परीक्षा की तैयारी की, आज 2017 में अभी परिणाम आया है, तो डेफिनेटली 15-16 साल में अनेक प्रकार के चेंजेस परीक्षा के पैटर्न में हुए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि परीक्षा लेने के पैटर्न में जो भी मर्जी चेंजेस हों, लेकिन एक बेसिक नॉलेज, उसको अप्लाई करने के लिए एक माइंडसेट और सबसे बड़ी बात प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए आपके अंदर जो गुण हैं, जो आपने ज्ञान संचित किया है, उसको सही समय पे बाहर यूज़ करने की एक जो कैपेबिलिटी है वो आप में होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिन युवाओं ने अभी हाल ही में आईएएस की परीक्षा क्लियर करके आईएएस में स्थान बनाया है वो देश के लिए, राज्य के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और मेरी उनसे एक ही बात है कि हम लोग कई साल मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचते हैं लेकिन अभी शुरुआत है। मैं यही कहूंगा कि ये एक संघर्ष की अंत है लेकिन अगले संघर्ष की शुरुआत है, क्योंकि सर्विस में आज हर आदमी आईएएस ऑफिसर से बहुत तरह की उम्मीदें रखता है, लोग हमसे बहुत प्रकार की अपेक्षा रखते हैं और उनको लगता है कि अगर हम हैं तो उनकी मुसीबतें दूर हो सकती हैं, हम योजनाओं को उन तक पहुँचा सकते हैं और कुछ आकांक्षाएँ उनकी पूरी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम हमारे कैपेसिटी का इस्तेमाल अच्छे प्रकार से करेंगे और जहाँ कहीं भी हमें काम करने का मौका मिलेगा हम राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करेंगे।
जैन साहब, बहुत महत्वपूर्ण कार्य राजस्थान में स्वास्थ्य की दृष्टि से हुआ है। राजस्थान जिस तेजी के साथ में आगे बढ़ता जा रहा है, उससे उम्मीद बनती है कि स्वस्थ राजस्थान का सपना हमारा बहुत शीघ्रता से पूर्ण हो। इंडिया एक्सप्रेस लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए एक नया माध्यम बनकर सामने आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि विनय एक्सप्रेस, इससे जुड़े हुए लोग इसी प्रकार से लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाएंगे जिसके अभाव में हम कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जानकारी ही आज सबसे बड़ी पूंजी है। मेरी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप राजस्थान के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। आपके मार्गदर्शन में जिस तरह से पूरी टीम स्पिरिट के साथ में राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, निश्चित रूप से हम बेहतर परिणामों की और ज्यादा तेजी से अपेक्षा करते हैं। आज आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।